जय श्री राम। एलईडी टीवी में आपको एक चीज़, एलईडी टीवी हो या आपका सीआरटी टीवी हो, दोनों टीवी में एक चीज़ प्रॉब्लम कॉमन देखने को मिलती है कि आपकी साउंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, और आपकी एलईडी टीवी में सबसे ज़्यादा आ रही है। ताकि ये लमसम एक से डेढ़ साल दो सालों के अंदर अंदर आपके एलईडी टीवी में दो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, एक आपका साउंड का प्रॉब्लम और दूसरा आपका बैकलाइट का प्रॉब्लम, यानी कि आवाज़ आएगी डिस्प्ले नहीं आएगी, दूसरा आपका डिस्प्ले आएगा आवाज़ नहीं आएगा। ऐसा तो प्रॉब्लम होना ही होना है। आपका टीवी अगर दो से तीन साल पुराना हो गया तो इस चीज़ का प्रॉब्लम आपको होना ही होना है। दूसरा चीज़ ये कि सभी के घरों में आजकल कॉमन है कि डीडी फ्रीडीज चलती है, क्योंकि रिचार्ज का प्राइस इतना अधिक हो गया जिसके कारण से सभी लोगों ने अपग्रेड कर लिया डीडी फ्रीडीज में। तो अगर आपके भी एलईडी टीवी में या सीआरटी टीवी में ऑडियो की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे आज में आपके पूरे, यानी कि एलईडी टीवी अगर खराब होती है ऑडियो सेक्शन, तो ऑडियो सेक्शन का रिपेयर करने में कम से कम आपको खर्च आएगी तो 1500 रुपये के आसपास आती है। तो आप आज में पूरी आपको 1500 रुपये बचाने वाले हैं, और एक्स्ट्रा आप समझ सकते हो कि उससे ऊपर कितनी जा सकती है। सबसे कम खर्च मैंने लागत बताए हैं 1500 रुपये, हो सकता है 2000 रुपये आ सकती है या आपका 2500 रुपये भी आ सकता है। तो ये वीडियो को अगर पूरा वॉच करते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम मैं 100 रुपये के आसपास सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो पूरा बने रहिएगा। तो आज मैंने लिया एक सेटअप बॉक्स डीडी फ्रीडीज का। दूसरा चीज ये देखो कि हमारे पास एक टीवी चल रही है, ऐसे देखो स्क्रीन हमारे पास चल रहा है, लेकिन इसमें ऑडियो नहीं है। जैसे वीडियो है अभी, लेकिन ऑडियो नहीं है। इसमें भी आपको ऑडियो का प्रॉब्लम था, एलईडी टीवी में हमारी ऑडियो की प्रॉब्लम है। तो आज मैं इस चीज को पूरी क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपकी जो भी ऑडियो होती है आप आसानी से सेटअप बॉक्स से ही निकाल सकते हो। तो क्या होगी विधि, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। मैं इसमें यूज़ करूँगा एक आपका छोटा सा ऑडियो किट, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 6283 के नाम से एक ऑडियो किट आती है, जो कि मैं आज इसमें यूज़ करने वाला हूँ। थोड़ा सा जूम से आपको दिखाऊं, तो ये वो किट होती है जो कि 6283 ऑडियो किट होती है। यही वो ऑडियो किट है जिसमें, जो कि मैं आज इसमें यूज़ करने वाला हूँ, और आज इसका मैं इंस्टॉलेशन इस सेटअप बॉक्स में करूँगा, जिससे आप आसानी से ऑडियो की प्रॉब्लम को मतलब दूर भी कर सकते हो और आसानी से बना भी सकते हो। तो क्या होगी विधि, चलिए आगे चलते हैं। सो मेरे भाई, मैंने एक ऑडियो 6283 की ऑडियो बोर्ड मैंने ले रखी है। आपको ऑडियो बोर्ड आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, ऑलरेडी मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये कि ये डीडी फ्रीडीज होती है, तो डीडी फ्रीडीज में इसको यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे। आपकी हो सकती है यहाँ भी इंस्टॉलेशन कर लो, या आपकी जो भी इसमें मतलब जो भी जगह बचती है आप वहाँ पर इसको इस बोर्ड को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसकी पावर कहाँ से मिलेगी, सारे की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मैं देने वाला हूँ। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं फटाफट से, आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। सो मेरे भाई, 6283 तो हमने इसमें ऐड कर लिया। जैसे देखो मैंने बोर्ड में इसको ऐड कर लिया, बहुत आसानी तरीके से ये कस चुकी है। लेकिन नहीं, या 6283 के बाद में आपको कुछ इस तरह की इसमें कुछ वॉल्यूम वगैरह लगेगा, जो कि कुछ इस तरह के वॉल्यूम आपको लेनी होगी मार्केट से, ऑलरेडी मिल जाती है। आप इस तरह का भी वॉल्यूम इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिटेल्स में आसानी से मिल जाती है। दूसरा चीज़ ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये होम थिएटर में आसानी से मिल जाती है। और दूसरा ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी टीसी आपको वॉल्यूम बोली जाती है, इसको टीसी बोली जाती है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आसानी से आपको डेको में मिल जाती है। ये वॉल्यूम लगानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस वॉल्यूम को नहीं लगाते हो तो फिर नॉइज़ आनी शुरू हो जाएगी आपसे और ऑडियो परफेक्ट रूप से नहीं आएगा। तो चलिए अब इसकी कनेक्शन करते हैं। तो मेरे भाई हाँ, क्योंकि इसकी ट्रैकर के बारे में आपको बतानी है कि कौन से कनेक्शन कहाँ पे जाएगी, तो आप आसानी से इसमें देख करके आसानी से समझ सकते हो कि कौन से हमारी कनेक्शन कहाँ पे जाएगी। ये हमारी हो जाती है 6283 की बोर्ड, और 6283 की बोर्ड की जो फर्स्ट लेग होती है, यानी कि इस साइड से ये जो फर्स्ट लेग होती है, ये आपका प्लस का होता है। यहाँ पे आप पॉजिटिव जोड़ सकते हो, और नेगेटिव का बात करूँ तो ये आपको जो ट्रैकर दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रैकर, ये आपका नेगेटिव का हो जाता है। आप आसानी से यहाँ से नेगेटिव भी ले सकते हो, और देखो यहाँ से आप एक स्पीकर का, दूसरा स्पीकर का यहाँ से भी ले सकते हो, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। जैसे आपको जहाँ पे पॉजिटिव जुड़े हो जस्ट उसके अपोजिट में देखोगे तो एक और बिंदु बनाई गई है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव ले सकते हो। स्पीकर की बात करूँ तो आप यहाँ से और यहाँ से स्पीकर की पॉइंट ले सकते हो, यानी कि इस दोनों नॉब से स्पीकर की पॉइंट ले सकते हो। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका इनपुट का हो जाता है, इनपुट सेक्शन, यानी कि ये ग्राउंड हो जाता है और ये आपका इनपुट हो जाता है, ऑडियो इनपुट। तो इसका कैसे कनेक्शन होगा, सारी की सारी कनेक्शन करके उसके बाद में आपको इस चीज़ के बारे में विशेष रूप से समझा देता हूँ। तो मेरे भाई हमारी कनेक्शन पूरी हो चुकी है। जैसे सर्वप्रथम अब देखो यहाँ से ये हमने जोड़ा है बैटरी की पॉइंट, क्योंकि यहाँ से ये 12 वोल्ट इनपुट होती है, तो इसकी प्लस वाली पॉइंट इधर होती है, यानी कि इस साइड, और माइनस की पॉइंट इस साइड होती है। तो हमने यहाँ से कनेक्शन ले लिया। और माइनस प्लस का बात करूँ तो ऐसे देखो, जैसे हमने प्लस डायरेक्टली यहाँ दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो लेग है ये आपको डायरेक्टली आ रही है हमारी यहाँ, तो हमने यहाँ पर माइनस दे रखा है। और यही माइनस से हमने ये टीसी जो हमने लगाए हैं वॉल्यूम, इसके बीच वाले लेग पर हमने एक कनेक्शन दे रखी है। ये देखो ये डायरेक्टली कहीं भी टचिंग नहीं है, ओनली हमारी इसी में है। और एक लेग जो होता है टीसी का, हमने इनपुट पे दे रखा है, जो कि मैंने आपको बताया कि इनपुट ये होती है। और इसका एक लेग होता है, यहाँ से हमने एक डायरेक्ट वायर लिया, और ऑडियो के आउटपुट यहाँ से ट्रैकर जो निकलती है, हमने वहाँ से इसको कनेक्टेड कर दिया। ये हमारी हो जाती है ऑडियो की सर्किटरी। उसके बाद में स्पीकर का बात करूँ तो स्पीकर के लिए हमने ये वाला वायर ले रखा है,
तो ये वाला वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्टली हमने यहाँ पे जोड़ रखे हैं ये दोनों वायर को, ये हमारी हो जाती है ऑडियो आउटपुट। फिर से आप सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए, ये हमका ये हमारा है बैटरी का आउटपुट जो कि पावर सप्लाई से हमारी 12 वोल्ट आउटपुट करती है वो वाली। तो ये हमने प्लस है और ये हमारा माइनस है, यानी कि साइड माइनस और इस साइड प्लस रहती है। तो हमने इससे इसका कनेक्शन कर लिया और इसको प्लस को पॉइंट को हमने डायरेक्टली यहाँ पर दे रखी है और माइनस के पॉइंट ये है, तो हमने इसी को डायरेक्टली लिया ट्रेकर यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे माइनस दे रखा है। और फिर से इसी माइनस में से एक और हमने तार लिया है जो कि डायरेक्टली टीसी के बिचले वाले लेग पे हमने दे रखी है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला लेग, ये टीसी के बिचले वाला लेग पे हमने दे रखा है। और ये जो टीसी का एक लेग होता है आप हमने इसका इनपुट में दे रखा है, ये लेग ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, आप किसी से भी कहीं से भी कनेक्शन कर सकते हो, ग्राउंड जो भी होगा बीच में ही रहेगा। और जो टीसी का एक साइड बचता है वहाँ से हमने डायरेक्टली ऑडियो इनपुट ऑडियो आउटपुट जो यहाँ से होती है यहाँ से लिया और डायरेक्टली हमने वायर लेकर के और टीसी के एक वाले पोल पे हमने यहाँ पे मार दिए, तो हमारी ये टीसी की क्लियर हो गई। अब आती है साउंड स्पीकर के लिए, तो स्पीकर के लिए हमने ये वाला वायर लिया और इसकी कनेक्शन आप देखो, तो हमने डायरेक्टली स्पीकर के जस्ट बगल मैंने कि बैटरी के जस्ट नीचे आपको दो वाली ये जो कंडेंसर की जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया, हमारी कनेक्शन हो जाती है रेडी। अब थोड़े से हम आवाज़ को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी मतलब स्पीकर एक्चुअली में आवाज़ उतनी फ्रेश दे रही है कि नहीं दे रही है। तो हम टीवी को करते हैं ऑन, यानी कि हमारी टीवी तो लगी हुई है, ऐसे दिखेगा आपको लगी है, बट हम ज़्यादा टाइम आपको टीवी नहीं दिखा सकते क्योंकि हमको कॉपीराइट भी आने का क्लेम हो सकता है। जैसे आप थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखा दूँ और बता दूँ, तो ये देखो हमारी टीवी चालू हो गई है ऐसे देखो, और हमारी आवाज भी आने लगेगी जैसे देखो की भूमि है, आवाज आ रही है यह भूमि नामदेव एवं तुकाराम। अब इसको हम ऑडियो पूरा ऑफ कर लिए, अब थोड़ी सी आवाज को हम इंक्रीज करते हैं, इसमें बढ़ाते हैं, आवाज हमने फुल कर लिया, अब देखो आवाज कितनी हमारी अच्छी आएगी। वीर और वीरता और वैष्णवता दोनों का समन्वय है जैसे दिख रहा होगा आपको, वचन चल रहा है आपको। तो इस तरह से अगर आपकी भी एलईडी टीवी की जैसे आपको दिखे यहाँ पे संस्कार पे अभी हमारी प्रवचन चल रही है, तो ये प्रवचन का हमको ऑडियो मिल रहा था, बाय द वे हमारी स्पीकर की ऑडियो टीवी की ऑडियो ख़राब हो जाने के कारण से हमको ये चीज़ करना पड़ा। और ऑडियो आउटपुट आप यहाँ से भी दे सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं मिलते तो डायरेक्ट आउटपुट की वायर यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आपकी ये कनेक्टर हो या नहीं हो, अगर कनेक्टर नहीं हो तो डायरेक्ट भी आप वायर पास कर सकते हो, बस यही कनेक्शन होती है, बहुत ईजी और बहुत ही आसान तरीके से अपने सेटअप बॉक्स में इस तरह की कनेक्शन कर ली जाती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगे, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर लेना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।